वज़ीर आज़म ने ख़वातीन पर मज़ालिम को करार दिया नाकाबिले मुआफ़ी गुना, कहा कसूरवार चाहे कोई भी हो किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तमाम पार्टियों से की सियासत से ऊपर उठकर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील। ख़वातीन की ताकत को वज़ीर आज़म का तोहफा, जलगांव में लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस के दौरान 11 लाख नई ख़वातीन लखपति दीदियों में तकसीम किए सर्टिफिकेट, 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग और 5000 करोड़ रुपए के बैंक लोन भी किए जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों से की मन की बात, गैर सियासी नौजवानों को सियासत में लाने की अपील। इस अपील पर मुल्क भर के नौजवानों में नजर आने वाले जोश व खरोश पर किया खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने की हर घर तिरंगा मुहिम की जबरदस्त मकबूलियत की तारीफ। आसाम और अरुणाचल में जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के लिए आगे आने वाले लोगों का किया जिक्र। दुनिया में संस्कृत जबान की बढ़ती हुई मकबूलियत पर किया खुशी का इजहार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर का किया इफ्तिताह। मुल्क को मलेशिया से पाक बनाने के अज़्म का किया इरादा, तमाम रियासतों में एनसीबी के क़याम के हदफ का भी किया जिक्र। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस के अहम मुलजिम संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट, वाकई की तह तक जाने की कोशिशें जारी। मेडिकल कॉलेज के उस वक्त के सरबराह संदीप घोष पर सीबीआई की गिरफ्त, कई मकामात पर छापे। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी के प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी हुकूमत ने ख़वातीन को बाएख्तियार बनाने के सम्त में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हदफ रखा है। वज़ीर आज़म मोदी के तीसरे दौर के आगाज से अब तक 11 लाख ख़वातीन लखपति दीदी का मुकाम हासिल कर चुकी हैं। इस वक्त मुल्क में 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी हैं। ये स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेम्बरान को सालाना 1 लाख रुपए कमाने का हदफ देती है। प्रोग्राम के मुकाम पर पहुंचने पर ख़वातीन ने वज़ीर आज़म की आरती उतारी। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की भी आरती उतारी। वज़ीर आज़म ने इन करोड़पति बहनों से बातचीत की जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई थी। वज़ीर आज़म ने उनसे बात करके उनकी कामयाबी के हर पहलू को जाना। लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने 11 लाख लखपति दीदियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए रिवॉल्विंग फंड और तकरीबन 5000 करोड़ का कर्ज भी जारी किया। 2500 करोड़ रुपए 4.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसका फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुल्क के 2.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 25 लाख से ज़्यादा मेम्बरान को 5000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज से फ़ायदा होगा। लखपति दीदी के जरिए ख़वातीन की सलाहियतों में इजाफा हुआ। मुआशी तौर पर मजबूत ख़वातीन अपना रोज़गार आप बनाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करती हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात का इरादा किया कि मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी होना चाहिए। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया। आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए।
अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन को बाएख्तियार बनाने से आइंदा नस्लों पर इसका मुस्बत असर पड़ेगा। इसको जहन में रखते हुए मौजूदा मरकजी हुकूमत काम कर रही है। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने ख़वातीन को बाएख्तियार बनाने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं और ये तमाम इकदाम आज़ादी के बाद 7 दहाइयों तक की हुकूमतों के काम पर भारी हैं। एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए, जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो। अभी तक जो 4 करोड़ घर बने हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है। अभी 3 करोड़ और घर बनाने वाले हैं, इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम ही होंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने वाली लखपति दीदियां बहुत पुरजोश हैं। हमारे नामा निगार शैलेंद्र मिश्रा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आई लखपति दीदियों से बात की। जलगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों के साथ संवाद किया। हमारे साथ यहाँ पर लखपति दीदी मौजूद हैं, कोई हिमाचल से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है तो कोई राजस्थान से आया है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करके और क्या जीवन में इनके बदलाव आया है लखपति दीदी बनकर। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं राजस्थान से आई हूँ। प्रधानमंत्री ने आप सभी लोगों से संवाद किया, कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब ये तो हमारा सपना ही था कि कभी हम मोदी जी को देखेंगे। घर के ही चूल्हे चौके में व्यस्त थे, लेकिन आज उनकी योजनाओं के द्वारा, राजीव के द्वारा हम यहाँ आए और मोदी जी से मुलाकात की, उनसे रूबरू बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा काफ़ी। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम अंजुमणि डोले है, मैं असम धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग असम से इतने दूर से जलगांव आने का हम लोग को मौका प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो लखपति दीदी का स्कीम के थ्रू दी। मैं एक लखपति दीदी हूँ और मेरे साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी महिला है सबको मैं लखपति बनाने के लिए। बताइए कहाँ से? हिमाचल से आई आप, तो हिमाचली टोपी बताइए कहाँ। सर मेरा नाम विजय भारद्वाज है, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मैं कृषि और पशु सखी हूँ और साथ में मैं गैर कृषि कार्य भी करती हूँ। सर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने संवाद किया बहुत सारी महिलाओं से जो वित्तीय समावेशन बैंक सखी हैं या फिर ड्रोन सखी हैं, तो आप कैसा लगा आप? सर बहुत ही अच्छा लगा सर कि सभी महिलाओं से यहाँ पे सर ने हम सभी महिलाओं से संवाद किया और सबके बारे में पूछा कि वो किस तरह के कार्य करते हैं और किस तरह से वो लखपति बने। कहाँ से आई मैम? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कोरिया जिले से। मेरा नाम हीना है, मैं FLCRP का काम करती हूँ और एक खुद भी लखपति दीदी हूँ। उद्यम है मेरा खुद का जिसमें हमने 38 दीदियाँ काम करती हैं वहाँ, जो मिलिट्स को लेके है। मिलिट्स कैफ़े चलाते हैं हम लोग, बहुत अच्छा हमारा मिलिट्स कैफ़े चलता है। लगभग 14 महीने में हमने 90 लाख का टर्नओवर किया है और 23 लाख का हमको शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। लखपति दीदी है जो खुद लखपति बनी है और इनका सपना है कि इसी तरह वो और तमाम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगी। लखपति दीदियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है महाराष्ट्र में जलगांव में। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज जलगांव। और आइए अब बात करते हैं मन की बात की। जी हाँ, मन की बात में आज वजीर आजम ने फिट इंडिया मुहिम के साथ साथ न्यूट्रिशन मुहिम का जिक्र करते हुए लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट। फिटनेस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि लोगों को पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसी सिलसिले में हर उम्र और हर तबके के लोगों को खाने पीने के उसूल और तर्ज जिंदगी से आगाह करने के लिए फिट इंडिया मुहिम शुरू की गई और आज हर तबके के लोग योगा को अपना रहे हैं और अपनी प्लेट में सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को भी शामिल कर रहे हैं। हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बच्चों की सेहत मुल्क की अव्वलीन तरजीह है और इन्हें मुनासिब गजाइयत हासिल करने की जरूरत है। PM ने कहा कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान पोषण माह मनाया जाता है। इस दौरान न्यूट्रिशन फेयर, एनीमिया कैंप, नवजायदा बच्चों की निगरानी, सेमिनार और वेबिनार जैसे प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं। हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पोषण भी पढ़ाई भी मुहिम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल ही न्यूट्रिशन मुहिम को भी नई तालीमी पॉलिसी से जोड़ दिया गया है। इस मुहिम के जरिए बच्चों की मुतवाजिन नशोनुमा पर तवज्जो दी गई है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी, इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से अपने इलाके में न्यूट्रिशन से मुतालिक आगाही मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि आपकी छोटी सी कोशिशों से ग़िज़ाइयत की कमी के खिलाफ इस लड़ाई में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना बता रहे हैं कि वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम में दिल्ली में लोगों का क्या रद्द अमल है। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाए थे, उसके बाद जो 750 मीटर का तिरंगा यात्रा वहाँ निकाला गया, उसके अलावा डल झील में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, वो मुझे सबसे बेहतर वही लगा। जो IIT गैलेक्सी के लिए उन्होंने जो बोला, उससे क्या होता है कि हमारे किसान जो अभी भी हम 70% कृषि पे आश्रित है, उनके लिए हमारे को नया आयाम मिलेगा। मोदी जी ने कुपोषण के बारे में कहा, मैं एक महिला होने के नाते जब गर्भ में माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उनको पोषण का पूरा ध्यान देना चाहिए कि आने वाले जो बच्चे हमारे स्वस्थ पैदा हों। मोदी जी की ये बात हर घर तिरंगा, वो बहुत ही अच्छा था। मोदी जी ने जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया वो काफ़ी इंस्पायरिंग था, एंड हमारे यूथ को, युवा को उसके बारे में आगे फॉरवर्ड सोचना चाहिए। मुझे महिला के जो पेट के अंदर बच्चा रहता है उसकी रक्षा करेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात जो मोदी जी बोलते हैं कि मेरे परिवारजनों, वो दिल को छू जाती है उनकी बात। मोदी जी ने एक पहल जो शुरुआत करी है, एक पेड़ माँ के नाम, इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर हम लोग पर्यावरण को पीछे छोड़ चुके हैं और पर्यावरण आज के समय में सबसे मुख्य है हमारे लिए, जीवन के लिए भी। फूल सैकड़ों रंग बिरंगे, फुलवाड़ी तो एक है, तरह तरह के लोग यहाँ पर, देश हमारा एक है। मोदी जी का कहना यह है ना, कहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और खास तौर पर लोगों ने उनसे प्रेरणा भी ली। कैमरामैन सौरभ बख्ती के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात प्रोग्राम में हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में बात की। इस पर इत्तला-ओ- नशरियात की मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मारुगन ने कहा कि मुल्क भर से लोग बड़े जोशो खरोश के साथ हर घर तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। जी ने बहुत तारीफ किया, पूरा देश में पूरा सब लोग जोड़ा इसमें, उनका व्यापार स्थल में भी, उनका दुकान में भी, उनका घर में भी, उनका गाड़ी में भी, उनका सेल फोन, लैपटॉप, टैब सब, इस बार पूरा देश में ये हर घर तिरंगा सेलिब्रेशन। तो ये यात्रा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर निकाली गई। आगे बढ़ते हैं मन की बात में। तिरंगा मुहिम के तस्करे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सदानंद प्रसाद ने कहा कि इस मुहिम ने भारतीयों को फख्र और जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। हम हर भारतवासियों को इस पे गर्व और एक जिम्मेदारी की अनुभूति हुई है। सारे घरों पे जब तिरंगे लहराते हुए हम देखते हैं तो हमें ऐसी अनुभूति होती है, इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश एक है, ऐसा हम सभी भारतवासियों को एहसास होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज मन की बात में कहा कि आपने इंसानों और जानवरों की मोहब्बत पर बहुत सी फिल्में देखी होंगी, लेकिन आसाम में इन दिनों एक हकीकी कहानी बन रही है। आसाम के तिनसुकिया ज़िले के एक छोटे से गांव ब्रेकोरी में मोरान बरादरी के लोग रहते हैं, जिन्हें वहां रहने वाले बंदर होलाक गबिन से बहुत मोहब्बत है, जिन्हें यहां होलाक बंदर कहा जाता है। होलाक गबिन्स ने इस गाँव में ही अपना घर बना लिया है। इस गांव के लोगों का होलाक गबिन से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब लोगों को मालूम हुआ कि गबिन को केले बहुत पसंद हैं तो उन्होंने भी केले की काश्त शुरू कर दी। इसके अलावा फैसला किया गया कि वो गबिन की पैदाइश और मौत से मुतालिक रस्म व रिवाज को इसी तरह पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे का आज तीसरा दिन है। उन्होंने आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के ब्रांच ऑफिस रायपुर का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर दाखला ने कहा कि मुल्क की हर रियासत में NCB यूनिट्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मनुष्यात की स्मगलिंग का तरीका बदल रहा है, इसलिए तफ्तीश के जदीद तरीके भी अपनाने चाहिए।
हमने लक्ष्य रखा है कि देश में हर राज्य में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जाए और इसके माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग कर ड्रग के दूषण को कंट्रोल करने का भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रयास करेगा। ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है, नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग की ओर ड्रग तस्कर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत कम मात्रा में ड्रग आती है और सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा कीमत भी उसकी होती है। इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक तरीके से हम करें, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को एडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप पूरी चेन को समाप्त नहीं करते हैं, ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क से मनुष्यात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ड्रग्स फैलाने वाले मुजरिमों की जायदाद जब्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, इससे मनुष्यात को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ड्रग के डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये चार सूत्र पर ही हम सफल हो सकते हैं। पीट एनडीपीएस और संपत्ति जब्त करने के कानून के अधिकार का उपयोग करने में जो अद्यतन गुनेगार है, हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि इसकी जितना उपयोग बढ़ेगा, इसको रोकने में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। मरकजी वजीर दाखिला ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि हम मनुष्यात के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। एनसीबी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, देश भर में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत पुख्ता हुई है। 2004 से 14 तक 1250 केस रजिस्टर हुए थे, अब 4150 हुए, 230% की वृद्धि। कुल अरेस्ट 1360 था, अब 6300 हुआ है, 364% की वृद्धि है। 1.52 लाख किलो नारकोटिक्स पकड़ा गया था, अब 5,43,000 किलो पकड़ा गया, 257% की वृद्धि है। और ड्रग सीज जो किया गया, इसकी कीमत जो क्वालिटी केसेस का एक पैरामीटर होता है, पहले 5,900 करोड़ के ड्रग सीज किए गए थे, अब 22,000 करोड़ के ड्रग सीज किए गए हैं। तो 10 साल में इस लड़ाई को हम बहुत अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, मगर अभी काफी काम बाकी है। आगे बढ़ते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका में कार्डिक में नेवल सर्विस वॉरफेयर सेंटर का दौरा किया। उन्होंने ये मालूमात अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुश्तरक की हैं। उन्होंने लिखा कि कार्डिक में नेवल सर्विस वॉरफेयर सेंटर का दौरा किया और वहां किए जाने वाले तजुर्बात को देखा। और कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस के अहम मुलजिम संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट मुकम्मल हो गया है। तकनीकी वजूहात की बिना पर संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कल नहीं हो सका था। संजय राय पर मेडिकल की तालिबा की इस्मत दरी और कत्ल का इल्ज़ाम है। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब नाफिज इम्तनाई अहकाम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कबल अजीं कोलकाता पुलिस ने 18 अगस्त तक शहरियों के तहफ़ से मुतालिक कोड 2023 की दफ़ा 163 नाफिज कर दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि जब तक इब्तिदाई अहकामात नाफिज नहीं होते, मुतालिका इलाके में 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने और मीटिंगों पर पाबंदी रहेगी। साथ में इम्तनाई अहकामात में बैलगचिया रोड और जेके मित्रा क्रॉसिंग से शुमाली कोलकाता में श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक का इलाका शामिल है। इजाजत दें, आदाब।